हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको ऑयल वाली वेजिटेबल मैगी बनाना बताऊंगी, उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो और जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल पर जो जो मैं डालूंगी तो आप पे नोटिफिकेशन भी पहुंचेगा। तो आज मैं आपको ऑयल वाली वेजिटेबल मैगी बनाना बताऊंगी। चलिए मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने मैगी लिए हैं, या 10 रुपए वाली, 12 वाली 3 मैगियां हैं, और ये मसाला निकाल लिया है। वेजिटेबल में मैंने शिमला मिर्च और टमाटर लिए हैं। अगर आप लोगों के पास मटर हो, गाजर हो, तो आप वो भी ले लीजिए। प्याज खाते हो तो प्याज भी डाल लीजिए। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में थोड़ा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। जीरा भुज गया है तो अब हम इसमें टमाटर और शिमला मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं, थोड़ी सी हल्दी। अब इसको 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। तो अब हम इसमें, ये हमारे टमाटर पक गए हैं, तो हम इसमें मैगी मसाला जो हमने निकाला था वो डाल देते हैं। हमारा मसाला भुज गया है, तो अब हम इसमें 3 गिलास पानी डालते हैं, क्योंकि तीन पैकेट मैगी बना रहे हैं, इसलिए दो, क्योंकि हम 3 पैकेट बना रहे हैं। पानी, जब तक पानी बॉईल हो जाए जब तक इसको हम गरम करेंगे, तो उसके बाद में इसमें हम मैगी डालेंगे। हमारा पानी अब बॉईल हो गया है तो हम इसमें मैगी डाल देते हैं। फिर इसको हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। अगर पानी कम हो तो थोड़ा सा और डाल दें। तो अभी हमारा इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है, तो अभी हम इसको 2 मिनट और पकाते हैं। हमारी ये वेजिटेबल मैगी बनके तैयार है, तो चलिए हम इसको सर्व करते हैं। तो हमारी ये वेजिटेबल मैगी, ऑयल वाली मैगी बनके तैयार है। तो आप लोग इसे खाइए और बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो यार, और सब्सक्राइब भी। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी उसमें बिना ऑयल वाली मैगी का भी वीडियो बना के डालूंगी। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आप पे पहुँच सके। तो थैंक यू।